अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं बना रही हूँ अंडे आलू का सालन, और ये बहुत मज़े का लगता है, मेरी बहुत फेवरेट डिश है। तो इसमें मैं छील रही हूँ अभी आलू, और यहाँ मैंने अंडे उबाल लिए हैं और अब उसको भी मैं छील के रख लूँगी। तो इसके लिए मैंने लहसुन और प्याज पीस के रख लिया है, और उसके साथ में उसमें धनिया मिर्च हल्दी वो भी इसके मसाला उसमें भून लूँगी। तो यहाँ छिल गए हैं मेरे अंडे, और ये रात की मेरी डिनर के लिए मैं बना रही हूँ, और ज़्यादा नहीं क्योंकि हम दो ही तो होते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो मैंने सिर्फ 6 अंडे लिए हैं और आलू लिए हैं 3। तो उसका ये मसाला है धनिया मिर्च हल्दी पिसा हुआ ज़ीरा और नमक। और इस मसाले में मैं डाल लूँगी पानी, तो पानी की वजह से जो है ये जब घी में डालो डायरेक्ट तो वो जलता नहीं है, काला नहीं होता मसाला। तो पानी डाल के अगर आप मसाला, वैसे भी जब हम सिलबट्टे पे मसाला पीसते थे तो हम पानी का मसाला पीस के फिर जब हम मसाला भूनते थे तो बहुत मज़े का लगता था। तो इसीलिए मैं पानी में मिक्स कर लेती हूँ और फिर मैं इसको डाल के अब इसको मैं अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी। तो जितना ये भुनेगा तो इसकी जो प्याज की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दी हैं आलू, और आलू मैं इसी तरह काटती हूँ, छोटे छोटे आलू नहीं काटती, बस आलू के 4 पीस कर लेती हूँ। और इसको मैंने हल्की आंच में इतना गलाया है कि आलू गल जाए बस टूटे नहीं। तो शोरबे में अगर आलू टूट जाते हैं तो वो फिर शोरबा उसका मज़े का नहीं लगता। तो ये आलू गल भी गए हैं और टूटे नहीं हैं। और इसमें यहाँ मैंने अंडों को फ्राई कर लिया है, उबले अंडों को फ्राई करके डालो तो अंडे आलू में उसका जायका, उसका कलर भी अच्छा होता है और थोड़ा सा उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ मैंने इसमें शोरबा कर दी है आलू के अंदर गलाने के बाद, और इसमें मैंने डाल दिए हैं अंडे। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा। बस इसकी भुनाई जब मसाला डाला था तो लहसुन और प्याज की भुनाई और मसाले की भुनाई करो, उसमें आलू हल्की आंच में डाल के उसको बगैर चम्मच चलाए आप उसको गला लो। अगर वो टूटे नहीं और अंदर से गल जाए और शोरबे के साथ तो वो बहुत मज़े के लगते हैं। फिर यहाँ मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया, उसको हल्की आँच पर रख दिया, और ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं अंडे आलू। जो अंडे खाने के शौकीन हैं उनको ये सालन बहुत अच्छा लगता है। तो बस जी, बन गया ये मेरा सालन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।